आज अच्छी खबर ये आई कि दनादन बुलडोजर आज गुजरात में चला है, सूरत में चली है, कई जगह पे। इन लोगों को लगता है कि हमने मोदी को नाथ दिया है, योगी को नाथ दिया है, मोदी को नाथ दिया है बुलडोजर से। ये पूरा नैरेटिव ऐसे गढ़ रहे हैं। शुरुआत में ऐसा हुआ कि एक मंगेश यादव हुआ तो यादवों का एनकाउंटर हो रहा है, जैसे बुलडोजर पर नैरेटिव चलाया कि सिर्फ मुसलमानों पर चल रहा है। सर ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर पर ब्रेक, इन लोगों को लग रहा है कि बुलडोजर पर ब्रेक हमने लगा दिया। वैसे आज अच्छी खबर ये आई कि दनादन बुलडोजर आज गुजरात में चला है, सूरत में चली है कई जगह पे, और वो कोई ऐसा यूपी में भी चल रहा है। तो मिडोडो को समझ में आ रहा होगा। और आपने पिछले दिनों तो कहा था कि योगी मानने वाले नहीं है, आपने मायावती का उदाहरण कई राउंड में दिया है कि मायावती तो रात भर चलाती रही और छाती पर लखनऊ के सेंटर में पत्थर की मूर्ति बनाती रही, सुप्रीम कोर्ट कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो जब आप, तो इन लोगों को लगता है कि हमने मोदी को नाथ दिया है, योगी को नाथ दिया है, मोदी को नाथ दिया है बुलडोजर से। विशेष रूप से आजकल योगी प्रेम इन लोगों को है, तो सुप्रीम कोर्ट से हमने सिब्बल और सिंघवी के माध्यम से बुलडोजर ब्रेक करा दिया, ये भ्रम उनको है। एनकाउंटर पर यदि खेल हो जाए, ऐसा ही कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में एनकाउंटर पर अब चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहते ना देश भर में कोई एनकाउंटर नहीं होगा, तो फिर माफिया युग को उत्तर प्रदेश में वापस लाया जा सके और फिर चोरों, डकैतों और बेईमानों का सिस्टम चलाया जा सके। ये पूरा नैरेटिव ऐसे गढ़ रहे हैं। शुरुआत में ऐसा हुआ कि एक मंगेश यादव हुआ तो यादवों का एनकाउंटर हो रहा है, जैसे बुलडोजर पर नैरेटिव चलाया कि सिर्फ मुसलमानों पर चल रहा है। अब ये एनकाउंटर को लेकर के चलाने लगे तो एक नैरेटिव ये भी कि एक ठाकुर साहब, आज एक डकैत मारा गया उसके लिए कि ये चेक एंड बैलेंस के लिए योगी ने किया है, जबकि आपने पहले ही बता दिया हुआ था जातिगत समीकरण से कि कैसे झूठ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। आज आप कह रहे हैं कि अमेरिका के माध्यम से समझने की जरूरत है। हाँ मनीष, जरा पहले बताता हूँ, पॉपुलेशन है या अमेरिका का, लेकिन जरा उसको समझाइए कि अमेरिका के में हो रहे एनकाउंटर से, क्योंकि वो दम भरता है ना, दुनिया का सबसे आधुनिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसे समझाए एनकाउंटर से सच को। हाँ मनीष जी, अमेरिका इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी को जब जब लोकतंत्र सताता है कि यहाँ लोकतंत्र मरा जा रहा है, लोकतंत्र खत्म किए दे रहा है मोदी, लोकतंत्र बड़ा खतरे में है, तो लोकतंत्र के सबसे बड़े ठेकेदार वो अमेरिका के पास जाता है। वो जब हो तब वो अभी भी जब हो गया तो अभी मैंने खबर भी डाली, उसको देखेंगे दर्शक, कि अभी भी जाकर उसने वहां यहां कर रोना, अमेरिका में रोया कि वहां तो लोकतंत्र खत्म हुआ जा रहा है, लोकतंत्र बर्बाद हुआ जा रहा है और बचाओ उसको। और इसने जब पिछली बार गया था तब तो इसने शिकायती लहजे में कहा था कि तुम लोग कुछ कर नहीं रहो, तुम लोग कुछ करो। तो वो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा ठेकेदार है, जो सबसे बड़ा चौकीदार कह लीजिए, ठेकेदार कह लीजिए, स्वघोषित है, अभी उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी इसी राहुल गांधी के बयान से मनीष जी। और वहां के जो आंकड़े हैं वो तो अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि वो किस तरह से वहां निपटते हैं, और जो लोकतंत्र के ठेका लेते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे हो राहुल गांधी, इनकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह से लोकतंत्र जिंदा रहता है, किस तरह से लोकतंत्र वाइब्रेंट रहता है। उस हिसाब से देखिए तो योगी आदित्यनाथ हो या और किसी मुख्यमंत्री की आप बात कर लीजिए, जहां पे लोग एनकाउंटर का रोना रो रहे हैं, जहां ये ढोल पीट रहे हैं, ये कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं हमारे आपके साथ, ये जातिगत नाम पर गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, ये डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं, तो हमारे आपके लूटे जाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, और उसमें राहुल गांधी किस तरह से बज रहा है। अब जरा मनीष जी मैं पहले जरा बता दूं कि जरा 2017 से 2024 ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा डकैत मंगेश यादव के लिए, अखिलेश यादव की छाती फटने लगी कि हर आदमी को लिखने के लिए मुश्किल होना पड़ा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर किसी ने जिक्र किया था, सबसे पहले किसी ने संख्या बताई थी, तो वो मनीष जी हम ही लोगों के कार्यक्रम में थी, और उसके बाद फिर पूरे देश के मीडिया ने उठाया, धन्यवाद उनको कि वो अब जो है असलियत सामने आ रही है। कि जरा गौर करिए मनीष जी कि योगी आदित्यनाथ के आज वाला एनकाउंटर जो अनुज प्रताप सिंह का हुआ है उन्नाव में, इसको मिलाकर यूपी के अंदर 7.5 साल के जो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है उसमें 208 एनकाउंटर हुए, अभी तक 207 थे, आज वो हो गया तो 208 एनकाउंटर हो गए। यानी अगर आप इसका औसत निकालिए तो समझिए ये करीब करीब आता है 28 एनकाउंटर हर साल, या 28 एनकाउंटर हर साल, ये है एनकाउंटर का यहाँ पर रेशियो, जो अनुपात है, और ये तो लिखा पड़ी में, इसको कोई ऐसा नहीं कि फर्जी करके आप छुपा देंगे, जो भी एनकाउंटर में मारा जाएगा वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो वो योगी आदित्यनाथ का 28 एनकाउंटर का है, और जिस अमेरिका के पास
दर्शक जरा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये क्या मैं आंकड़ा बता रहा हूं। उसके बाद फिर मैं अभी आपको दिखाएंगे भी मनीष जी कि मनीष जी जिस अमेरिका के पास जाके लोकतंत्र का रोना रोता है राहुल गांधी की हमारे यहाँ खत्म हो गया और तुम बचाओगे, वो उस अमेरिका में जरा पहले ये भी समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ 70 लाख है जो लिखा पढ़ी में है 25 करोड़ 70 लाख, और वह अमेरिका की जो आबादी है वो 34.5 करोड़ है। हाँ ये देख लीजिए मनी जी कि पता नहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ये सच देखकर शर्म आएगी या नहीं। 2017 से अब तक अमेरिकी पुलिस 8,119 अपराधियों को मौत के घाट उतार चुकी है। अमेरिका की आबादी 34.5 करोड़ है, यानी हर साल 1,082 एनकाउंटर हर साल। और दूसरी तरफ 2017 से अब तक यूपी पुलिस 208 अपराधियों को मौत के घाट उतार चुकी है। यूपी की आबादी 25.70 करोड़ है, यानी हर साल 28 एनकाउंटर। ध्यान दीजिए कि यूपी से 37-38 गुना अधिक संख्या में एनकाउंटर करने वाले अमेरिका के पास राहुल गांधी जाकर शिकायत करता है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, उसको आके बचाइए। यह है राहुल गांधी की मनी जी असलियत। तो ये जा और अभी जो इसने रोना रोया है वो भी दिखाएंगे। जरा अब दिखा दीजिए मनी जी, एक दो फोटो है। हाँ जरा ये बगल में जो है दो आपके वो है, ये एनकाउंटरों की है जो अमेरिका के अंदर है। नंबर ऑफ पीपल शॉट टू डेथ बाय द पुलिस, ये अमेरिका के एनकाउंटर है। जरा थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मैं दर्शक देख ले, मैं इस पर खोलता हूँ। 2017 में 918 जी। हाँ 2017 में 900 981, 18 में 983, 19 में 999, 20 में 1020, मतलब लगातार सिलसिला जो है एनकाउंटर का चल रहा है ज्यादा। अब 24 में अभी आधा साल बीता है, 828। नहीं 2021 में 1048, 2022 में 1097 और 2023 में 1183, और अभी जो चल रहा है तो इसमें 828 है। ये अभी से पिछले महीने तक का है, अगस्त तक का होगा। एक बार मनीष जी फिर से जरा हेडिंग दिखा दीजिए ताकि दर्शक भी समझ जाए। मैं अभी इनको नंगा करता हूँ कि किस तरह की ये कि नंबर ऑफ पुलिस, नंबर ऑफ पीपल शॉट टू डेथ बाय द पुलिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 2017 टू 2024, और ये संख्या होती मनीष जी 8,119 लोगों को 7.5 साल में अमेरिका की पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। और अमेरिका की मैं आबादी इसीलिए ली है कि अमेरिका की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी, मैं देश की बात कर ही नहीं रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की आबादी से केवल 33-34% ज्यादा है। लेकिन उसने जो वहां पर मौत के घाट उतारा है पुलिस ने, तो वो 35-37-38 गुना ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए वो बड़ा लोकतंत्र का ठेकेदार है, इसलिए वहां लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए वहां लोकतंत्र चल रहा है, क्योंकि वहां पे अपराधियों को जात के नाम पर बख्शा नहीं जाता, अपराधियों को जात के नाम पर बचाने वाले राजनीतिक ठेकेदार नहीं खड़े होते। और इसलिए मनीष जी अमेरिका आज देश का दुनिया का सबसे धनी देशों में से एक है, वहां सबसे ज्यादा बिजनेस पनपता है और वहां पे सबसे ज्यादा लोकतंत्र की भी बात वहीं पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो अपराधी है उनको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई कवर देने नहीं आता। यहाँ के जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिस तरह से मंगेश यादव या अनुज प्रताप सिंह के लिए यहाँ छाती पीट रहे हैं, इस तरह से वहां पे आपने मनी जी का, मतलब दर्शकों से भी कहूंगा, अपने तो एनआरआई दर्शक भी हैं, कि 8,119 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी पुलिस। लेकिन क्या पुलिस, आपने कहीं सुना कि कोई वहां एनकाउंटर को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा हो, कोई वहां डोनाल्ड ट्रंप जाके बैठ गया हो किसी एनकाउंटर के खिलाफ, या उसने कोई टिप्पणी की हो? हमारे यहाँ बेशर्म नेता डकैतों और गुंडों के, जो लुटेरे हैं, ऑफिशियली लुटेरे हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, ये उनका पक्ष लेकर यहाँ पे देश की पुलिस में, देश की सरकार पे उंगली उठाने लगते हैं, और इसीलिए हम गर्त में जा रहे हैं। और ये बनी जी यहाँ जरा इसका जो बगल में है, ये भी बता दीजिए कि इसीलिए मैंने एनकाउंटर के साथ ही इसका लगाया है कि इसने मंगेश यादव के एनकाउंटर में एक दुहाई क्या दे रहा है बेशर्म आदमी। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन करने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती है। नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार के आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है, क्या आज तक उनमें से किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई?
आखिर उन्हें कौन बचा, उन्हें बचा कौन रहा है और क्यों बचा रहा है? कैमरे के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जबकि आपकी सरकारें से, आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। ये राहुल गांधी का ट्वीट है मनीष जी, 7 सितंबर 2024, यानी जिस दिन मंगेश मारा गया है उसके कुछ ही दिन बाद। और ये आदमी यहाँ पर एक एनकाउंटर पर डकैत, एक डकैत के एनकाउंटर पे आंसू बहा रहा है और वहां पे जाके उस अमेरिका के सामने उसके पैरों में लुटता है, उसके आगे भिखमंगे की तरह हाथ जोड़कर भीख मांगता है कि हमारे लोकतंत्र खत्म हुआ जा रहा और लोकतंत्र बचा लो। तो ये भिखारी कितना दोगला है, कितना दोहरा चरित्र का है और कितना घिनौना इसकी राजनीति है, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ ये आपने वही जो बताया कि कैसे अमेरिका में जाकर के दुहाई दिया कि भारत में तो लोकतंत्र खत्म है, डेमोक्रेसी नामक चीज नहीं है, चुनाव आयोग जो है यह जो है ईवीएम की का खेल होता है, सरकार इसी रूप से दिखती है। ये इसके इसके भीख मांगने की भी मैंने मनीष जी से प्रूफ डाला कि भारतीय लोकतंत्र पर 10 साल से हमला हो रहा है, अब हम इसका जवाब दे रहे हैं। जरा नीचे भी फोटो के नीचे भी इसकी पड़ी हुई है जो कैप्शन है कि अमेरिका में बोले राहुल गांधी, भारतीय लोकतंत्र पर 10 साल तक हमला हुआ, हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जरा बताए, ये जो ऊंट है, कांग्रेसी ऊंट जो किसी काम का नहीं है, इसके कि ये जो वहां पे अमेरिका जो मार रहा है लोगों को, जहां पे 7.5 साल में 8,119 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, वहां का लोकतंत्र मजबूत करने के लिए मारा जा रहा है। अब इसकी ये जरा इसका जवाब दे, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय है कि वहां पर, क्योंकि इस तरह से अपराधियों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसीलिए वहां लोकतंत्र सुरक्षित है। इसके जैसे सांड वहां पे नहीं घूम रहे जो अपराधियों के, डकैतों के, अपराधियों के, गुंडों के पक्ष में खुलकर बैटिंग करते हो। वहां पे विपक्षी नेताओं को भी इतनी लाज शर्म है कि गुंडे और अपराधी और आतंकवादी, इनके पक्ष में वो नहीं बोलते। और ये आदमी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक डकैत के पक्ष में बोल रहा है, और जरा वहां गौर करिए कश्मीर में जाकर ये आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहा है, जो वहां पे अफजल गुरु और बुरहान वानी के समर्थक हैं, ये उनके साथ बैठ के कंधे से कंधा मिला के बातें कर रहा है। तो ये आदमी इस देश का दुश्मन के भूमिका में आ गया है और इसके ऊपर सरकार देखे क्या करती है। बिल्कुल, और इसीलिए कमाल की बात तो एक और चीज भी है कि देखिए, कल तक जो अखिलेश यादव रो रहे थे मंगेश यादव के नाम पर, आज जब दूसरे ढंग से उसको पूरी तरह से उस पूरे मामले को अखिलेश ने दूसरे रूप में मोड़ दिया, और ऐसा लग रहा है कि ये लोग हर कोई ये चाह रहे किसी ढंग से एनकाउंटर रुक जाए। और मैं तो सर ये भी देख रहा हूं कि जो सो कॉल लिबरल सेकुलर बन करके और राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ करके भी जो लोग कूद रहे हैं, वो सब एक स्वच्छ लोकतंत्र में एनकाउंटर तो नहीं होना चाहिए, ये सजा देने का काम तो अदालत का है, ऐसे ऐसे नैरेटिव भी गढ़े जा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने जानबूझकर मनीष जी, क्योंकि ये गुंडे पालते थे, डकैतों को पालते थे, ये लुटेरे इनके यहाँ पलते थे, तो इन्होंने जानबूझकर पिछले 70-75 साल ये किया कि नहीं नहीं वो एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अखिलेश यादव को मनीष जी जरा दिखाइए ट्वीट, मैंने उस ट्वीट को भी करके मैंने उन्हीं को टैग करके ट्वीट किया है। जरा अखिलेश यादव बताएं कि मुलायम सिंह यादव कमजोर मुख्यमंत्री थे या बड़े पहलवान मुख्यमंत्री थे, बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री थे? अखिलेश यादव ने आज एनकाउंटर में, क्योंकि अब वो जो मारा गया है अनुज प्रताप सिंह, वो क्योंकि यादव नहीं है, वो यादव नहीं है, पहले तो यादव के नाम पर रोए कि यादव को मार दिया और यादवों के पीछे पड़ी है और यादवों को निशाना बनाया जा रहा है, यादव ही सबसे ज्यादा निशाने पर हैं, हालांकि आंकड़े कुछ और बता रहे थे। तो अब इस आदमी ने ये कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है, हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना हो, ना करे। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में कोई निवेश ना करे, और उत्तर प्रदेश को जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया, भाजपा इसका तरीका बदला ले रहे हैं। तो जरा इसके ऊपर मनीष जी ट्वीट में यही लिखा है कि जरा ये अभी योगी आदित्यनाथ के 7.5 साल में 208 एनकाउंटर, और इनके पिताश्री वो मुलायम सिंह यादव जो अब तो स्वर्गवासी हो गए, ये 2003 से 2007 ये है कि अखिलेश बताएं कि मुलायम सबसे कमजोर सीएम थे कि नहीं? अखिलेश यादव को शायद यह याद नहीं कि उनके पिता भी मुलायम सिंह, पिताश्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के 4 साल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए थे, 2003 से 2007 तक उनके सीएम रहते, रिकॉर्ड 499 अपराधियों को पुलिस ने मारा था, यानी औसतन हर साल 124 अपराधी
मारे जा रहे थे, जबकि योगी आदित्यनाथ के 7.5 साल के शासनकाल में 208 अपराधी मारे गए, यानी औसतन हर साल 28 अपराधी हर साल। तो ये भी समझिए 4.5 गुना ज्यादा मार रहे थे, यानी मुलायम के दौर में योगी शासनकाल की तुलना में लगभग 4.5 गुना अधिक एनकाउंटर हुए थे। अतः अखिलेश अब बताएं कि मुलायम सबसे कमजोर सीएम थे कि नहीं? तो ये लोग सोचते हैं कि जनता भूल गई है, जनता को कुछ याद नहीं है और जैसा चाहे वैसा ही मनगढ़ंत सुनाएं, और डकैतों गुंडों लुटेरों के पक्ष में ये खुलकर बोलने के बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं, अपना अतीत नहीं देखते, अपने गिरेबान में नहीं झांकते और इनका इतिहास कितना काला है ये नहीं बताते। दरअसल तब ऐसा है कि आम जन को भी सर क्यों लगता है कि योगी राज में एनकाउंटर हो रहा है, और पब्लिक को लगता है कि योगी जब एनकाउंटर करते हैं तो ठोक के करते हैं। क्या इसका मतलब है कि उस दौर में जो एनकाउंटर होते थे वो अपने दुश्मनों को मारा जाता था, चुपके चुपके होता है, अब योगी ने एक नैरेटिव बदल दिया, योगी कैमरे पर लाते हैं उनको, जिनको लंगड़ा बना दिया। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में एक रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने एक बुजुर्ग के ऊपर जो है जैसे दिवाली होली में बदमाशी करते हैं उस ढंग से चीजें की, उसको तुरंत अरेस्ट किया गया और उसका भी कहता ना मजमा उसका भी निकाला गया। तो एक मैसेज योगी देते हैं कि दैत्यों के साथ क्या कुछ होगा, वो दरअसल सोसाइटी को समझाने के लिए कि अपराध करोगे तो इस रूप में तुम्हें सजा दी जाएगी। एनकाउंटर तो अखिलेश के अब्बा जान के समय ज्यादा हुए, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। योगी आदित्यनाथ की तुलना में 4.5 गुना अधिक, ये होता 10%, 20%, 25% तो समझ में आता। और अगर एक बात और बता दूं मनीष जी, ये आंकड़े हैं 2003 से 2004, यानी उस दौर के अगर उत्तर प्रदेश की आप आबादी की बात करिए, तब उत्तर प्रदेश की आबादी मुश्किल से 16 करोड़ थी, यानी 16-17 करोड़ में वो 4-4.5 गुना ज्यादा मारे डाल रहा था मुलायम सिंह के शासनकाल में। तब बड़ा राम राज्य था, तब इनके पिताजी का राज था जिनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो इसी वो उसी लिए कारण है कि वह उस दौर में ये भी सिद्धांत आया था कि बलात्कारियों को कुछ सजा देने की जरूरत थोड़ी है, जो होता है जो लड़के हैं गलती हो जाती है, ये उसी समय की देन है। तो अब जरा गौर करिए कि अब योगी आदित्यनाथ के समय में मारे तो गए हैं उनसे 4.5 गुना कम, लेकिन कहीं इस तरह का सुनने को नहीं मिलता कि कोई लड़के हैं तो गलती हो जाती है, और लड़के हैं तो जब गलती होती तो फिर उनको इसी तरह के दंड दिया जाता है जैसे दे रही योगी सरकार। और योगी सरकार के पीछे मनीष जी कुछ कुत्ते भी छोड़े गए हैं, कुछ कुत्ते छोड़े गए हैं, वो हम लोगों की बिरादरी के हैं। मीडिया के एक वही खलियर हुआ है, ताजा ताजा खलियर हुआ है, वो बिल्कुल वो भी आप ही की भाषा बता रहा हूँ खलियर, कि वो जो है वो भी एकदम से बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है और गलत सलत आंकड़े पेश कर रहा है। वो जिसके नाम के आगे सिंह लगा है उसी को उसने बता दिया है ठाकुर, और उसमें जब लोगों ने जांच की तो बड़ा लंबा उसने खर्रा दिया था, तो उसमें से केवल 8 अधिकारी ठाकुर और बाकी अन्य जातियों के कुछ भूमिहार हैं, कुछ ओबीसी हैं, कुछ SC ST के हैं, यानी ये उसने तो अपने आप से जो योगी विरोधी एक मुहिम चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसको उस खलियर खैराती ने अपने आप नंगा कर दिया। बनी जी अपने ज्यादा जोश में आ गया वो, उसने पूरी लिस्ट लिख कर छाप दी कि ये ठाकुर सिंह करके उसने दिखाया, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो ऐसा नहीं, उसके बाप यहाँ पड़े हैं जिनके पास बहुत खबरें रहती हैं और वो पूरा निगाह रखते हैं, उन्होंने पूरा खर्रा खोल के दे दिया। उसने सबसे ज्यादा मतलब मनीष जी सोचिए किस कदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जहर फैलाने की मुहिम चल रही है कि और कोई अनजान सा अफसर होता है, छोटा मोटा अफसर होता तो चलो हो जाता, गलती हो गई। उसने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को उसने उनको भी ठाकुर बता दिया, मनोज कुमार सिंह को पता चला वो भूमिहार हैं, और जो उनके सेक्रेटरी उनको वो पिछड़ी जाति के ओबीसी कुर्मी उनको भी उसने ठाकुर बता दिया। तो ये जब इस तरह की गलत बयानी शुरू होती है, जब झूठ बोलना शुरू होता है तो अपने कपड़े खुद फाड़ता आदमी, थोड़ी देर के लिए सनसनी आ जाती है, थोड़ी देर के लिए तो वाहवाही हो जाती है, वाह कैसी बात है, टकरा गया, भिड़ गया, ये वो, लेकिन उसके बाद जब कपड़े उतारने शुरू होते हैं तो नंगे हो जाते हैं ये लोग। ये सब उसी श्रेणी के लोग हैं। अब वो ताजा ताजा खलियर हुआ है तो LTBJP चैनल में था, वहीं की कुछ अपनी लेके आया खुराक, लेकिन अब जो जूते पड़ना शुरू हो रहे हैं तो अब उसकी समझ में आएगा, अब वो खिसियाहट निकाल रहा अपनी, लेकिन कितने दिन चलेगी खिसियाहट। और योगी आदित्यनाथ वैसे ऐसे ऐसे लोगों को जुतिया लोग रहे थे पहले, लोग अखिलेश के सपोर्टर की ये संघ का दलाल है, बीजेपी का दलाल है, लेकिन ऐसे लोग दरअसल मतलब होते हैं, मौका देखा पलटी मारा। अब इसीलिए हमारे एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, अक्सर वो एक कहा करते थे किसी चीज को कि तुमसे यदि पूछा जाए कि आम कैसा होता है तो इमली के बारे में बताओगे,
तो ऐसा लगेगा कि तुम मूर्ख हो, इसीलिए यदि मूर्ख हो तो मुंह मत खोलो, क्योंकि मुंह खोलते साबित हो जाओगे कि मूर्ख हो। अक्सर मैं इसीलिए कहता हूं कि टीवी में पढ़े लिखे लोग, यदि जातिवाद का ही खेल करना था तो थोड़ा रिसर्च कर लेता, मुश्किल थोड़ी है पता करना। शिवराज सिंह चौहान के नाम से लोग लगता है शिवराज सिंह चौहान, हर किसी को लगेगा क्षत्रिय है, बहुत लोग ऐसी भी मूर्खता कर जाते हैं। तो यदि ऐसी मूर्खता जातिवाद का पाप ही करना है, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, जानकारी हासिल करो। मैं तो बड़े बड़े चैनलों पर देखता हूँ सर, कुछ मठाधीश जो खड़ियर हुए हैं, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको जानना चाहिए कि अखिलेश यादव के अब्बा जान के दौर में, जैसे आपने रिसर्च करके दिया, यदि थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो टीवी चैनल पर ऐसा घटिया खेल नहीं करता बैठ करके। नहीं मनीष जी, ये जो आप कह रहे हैं कि इसको थोड़ी रिसर्च कर लेता तो नंगा हो जाता, वही नंगा हो जाता, इसकी हिम्मत ना पड़ती कि ये, मैं भूमिहार को भी ठाकुर बताए दे रहा हूँ, ओबीसी को भी ठाकुर बताए दे रहा हूँ, एससी एसटी को भी ठाकुर बताए दे रहा हूँ, तो इसको तो झूठ का इसके सर पे झूठ की टोकरी ला दी गई कि तुमको मेहनताना मिलेगा, तुमको रकम मिलेगी, तुम जरा अभी झूठ चलाओ, तो ये अपना कुली गिरी करने लगा, ये झूठ का कुली हो गया ये आदमी। अन्यथा इसको अगर शर्म आ रही होती, ये जरा सी होती, तो कम से कम ये ठाकुर हुआ तो बात ना करता मनीष जी, वो भी यादव बनाम ठाकुर ना करता, तो ये पूरी तरह अखिलेश यादव के चरणों में लेटा। कि ये अभी आज फिर दोहरा दूं कि अभी तक के जो आंकड़े हैं 208 लोगों के मारे गए हैं, उसमें मनीष जी 19 ठाकुर मारे गए हैं और 14 यादव मारे गए हैं। और जरा एक परसेंटेज और बता दूं, जैसे मैंने अमेरिका का और यूपी का बताया कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का परसेंटेज है 8% और ये जो यादवों का परसेंटेज है वो 11-12%, यानी ठाकुरों की तुलना में 50% आप समझिए ज्यादा यादव है और वो मारे गए हैं 14, और जो 8% ठाकुर है वो मारे गए हैं 19। तो 19 तो आज हुई है, इससे पहले 18 तो थे, तो इसकी इसकी आंखें फूट गई थी, खलियर खैराती की कि नहीं, ये यादव की बजाय ठाकुर ज्यादा मारे गए हैं। और सही बताऊं मनीष जी, जहां इसको नाम लेना चाहिए था वहां नाम नहीं लिया इसने, अब वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां जाके खैराती, वहां जाके पैर दबाता है उनके माफियाओं के, उनके नाम कैसे ले लेता, तो उनके नाम नहीं लिए इसने, ये अधिकारियों पे अफसरों पे बरसना शुरू किया इसने, तो ये बिकाऊ हुए लोग हैं। और ये क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बड़ी सनसनी फैला रहा है, तो आज हम लोगों का थोड़ी इसको श्रद्धांजलि या कहूं जूतांजलि दी जानी चाहिए। लेकिन कमाल की बात ये सोचते हैं कि भाई योगी को नाथ देंगे, जो आदमी ताल ठोक करके कहते हैं योगी ने कोई एनकाउंटर छुपाया तो नहीं अखिलेश यादव के अब्बा जान की तरफ। दिल्ली में तो हम लोगों ने दर्जनों एनकाउंटर ऐसे देखे कि जब घटना स्थल पे पहुंचते थे तो पता चलता था कि भाई देखने से ही कि ये एनकाउंटर फेक है। योगी आदित्यनाथ के दौर में तो एनकाउंटर का तो कहते ना कि वो काफिला निकाला जाता है, वो प्रदर्शन होता है कि पांव में गोली मार दी। आमतौर पर कौन सरकार इससे पहले थी कि उसकी पुलिस ऐसे करती है, उसका वीडियो जारी करती है, मीडिया को देती है, मीडिया को भी देने की जरूरत नहीं है, आजकल तो ट्विटर पे डाल दिया यूपी पुलिस ने, हो गया काम। तो इसने तो छुपाया तो जा नहीं रहा कहीं। और बता दूं कि ये आज का नहीं खैराती, ये 2007 में तब ये लौंडा था, बिल्कुल नया लौंडा आया था, IBS 7 में भर्ती हुआ था, और 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे थे और मेरठ के भाजपा की कोई नेता थी, जिला अध्यक्ष थी, उन्होंने मेरठ में, ये अब तो पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि जितने यूपी में वो कत्ल खाने थे गाय काटने के, उनमें 50% मेरठी या मेरठ के इर्द गिर्द थे, उन्होंने वहां से कोई अपनी CD बनाई थी किस तरह से गाय काटी जा रही है मेरठ के अंदर, और वो CD यहाँ पर लालजी टंडन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदे प्रेस करके उन्होंने जारी की, और इसने ऐसा हंगामा काटा कि अरे वो जहरीली सीडी, वो IBN 7 तब यही आशुतोष जो था ये उसमें हुआ करता था, और जहरीली सीडी पूरे जहरीली सीडी में उसने पूरा नाश कर दिया। तो ये उस टाइप के लोग हैं, और जरा वो भी ध्यान से समझ लें जो दिल्ली में बैठे हैं हमारे लोग, कि ये उसके बाद बड़ा दुलारा हो गया था उनका, वो जो पत्रकार महोदय हैं जिनका जलवा यहाँ यूपी में चला करता था, अब तो खैर थोड़ा डाउन है, तो ये वो वही लेके चले गए थे वो राष्ट्रवादी शर्मा जी के यहाँ, और शर्मा जी के यहाँ शर्मा जी ले गए, और बाद में फिर उनको भी गाली देने लगा, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दलाल हैं, इनको जहाँ हरा चारा दिखता है ये उधर मुंह मारना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ऐसे लोग नैरेटिव पैदा करते हैं, भ्रम का खेल, और ये भ्रम का खेल, नैरेटिव का खेल, इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि खैरातियों पर सबसे ज्यादा प्रहार होने की जरूरत है, क्योंकि नैरेटिव फेक बनाते हैं, और फेक नैरेटिव गढ़ के झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का खेल खेलते हैं। अपने अमेरिका से बड़ा बेहतरीन उदाहरण
सर अमेरिका का, मैं तो मनीष जी कहूंगा दर्शकों से कि आप जरूर इसको काट के चलाइएगा कि अमेरिका के अंदर एनकाउंटर किस रेट से होते हैं और यूपी में किस रेट से हो रहा है, तो ये सोचिए। और ये राहुल गांधी बेशरम जो जाके वहां भीख मांगता है कि आओ हमारे यहाँ लोकतंत्र ठीक कर दो, और उसके लोकतंत्र की क्या स्थिति है, ये 37-38 गुना ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं। 2-4-10 भी होते तो भी कहते चलिए कुछ कुछ लाज है, 37-38 गुना ज्यादा लोगों को पुलिस वहां मार रही है, और राहुल गांधी उनसे जाके कह रहा है कि उत्तर हिंदुस्तान का लोकतंत्र आके ठीक कर दो। तो सोच लीजिए ये कितना बेशरम और निर्लज्ज है, और इसके साथ जो घूम रहे वो कितने निर्लज्ज है।